हे क्रिप्टो बड़ी, कैसे हो? और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फाइनली G20 समिट में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड डिस्कशन यहाँ पर खत्म हो चुकी है। यहाँ पर क्रिप्टो को रेगुलेट करने के ऊपर काफी बात की गई है और काफी बड़े बड़े दिग्गजों ने यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी है, चाहे वो आर्थिक मामलों के विभाग सचिव यहाँ पर अजय सेठ जी हो या फिर यहाँ पर IMF की गीता गोपनीय क्यों ना हो। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने यहाँ पर अपनी राय दी है और यहाँ पर अपना ओपिनियन भी दिया है जो कि क्रिप्टो को रेगुलेट करने में यहाँ पर मदद कर सकता है। तो अगर आप देखेंगे साथ के साथ जैसे जैसे G20 में जो जो डिस्कशन हो रही थी हम अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर रहे थे ताकि आपके साथ ये जो न्यूज़ है जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ यहाँ पर साझा की जा सके। इसलिए कहता हूँ ट्विटर को डेफिनेटली आप फॉलो कीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे अछूटा ना रहे, कोई भी न्यूज़ कोई भी आती है तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पर आने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले 8 सितंबर को जो यहाँ पर एक पेपर पेश किया गया जहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े मुद्दे यहाँ पर रखे गए थे, जहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि क्रिप्टो करेंसी पर हम पूरी तरह यहाँ पर बैन नहीं लगा सकते और ना ही हमें यहाँ पर लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बैन करना काफ़ी बड़ी चुनौती है तो इसका प्रभाव भी काफ़ी बड़ा पड़ सकता है। तो इसमें हमें एक कानून यहाँ पर लेकर आना चाहिए, वो कानून काम करना चाहिए यूज़र के लिए, यानी कि यूज़र के साथ जो MLM प्रोडक्ट्स के साथ स्कैम होता है या लोग पैसा लेके भाग जाते हैं या ज़्यादातर एक्सचेंज जो कि लोगों का पैसा लेके एक्सचेंज बंद करके भाग जाती हैं उन पर यहाँ पर कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पर जो क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर है उनको भी यहाँ पर लाइसेंस लेने का सुझाव दिया जाएगा, यानी कि कोई भी अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च करता है चाहे वो एक्सचेंज लॉन्च करता है या फिर कोई भी अपने एग्रीगेटर लॉन्च करता है तो उनका लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाएगा। और चौथा सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो फेट करेंसी है उसके थ्रू यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को कन्वर्ट किया जाता है, फिर क्रिप्टो करेंसी को फेड में किया जाता है और उसके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को जो बढ़ावा दे रहे हैं उनको भी यहाँ पर नकेल कसनी चाहिए, जो इनके मुद्दे थे। ठीक है, उसके बाद काफ़ी लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी जिसमें सीतारमण जी ने भी बोला कि क्रिप्टो करेंसी को हम यहाँ पर बैन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं बट इसमें ग्लोबल लेवल पर हम एक फ्रेमवर्क यहाँ पर तैयार कर रहे हैं जिसमें लोगों का ही फायदा होने वाला है, इसमें हमारा कुछ यहाँ पर फायदा नहीं है, हम जनता के फायदे के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं ताकि कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिससे लोगों को हार्म हो और देश को यहाँ पर हार्म हो। तो देश सबसे पहले है, वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद IMF की जो गीता गोपीनाथ जी हैं उन्होंने भी सेम एक्सप्लेन किया। IMF को आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोल सकते हो जो ये देखता है सिस्टम को ग्लोबल लेवल पर कि इकोनॉमिक कैसे जा रही है, उसको रिस्क से कैसे बचाना है और पॉलिटिशियन को रिकमेंड करता है ग्रोथ को लेकर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, सारी चीज़ों की देखरेख लाइक इंटरनेशनल लेवल पर IMF यहाँ पर करता है। उनका भी यही कहना है कि सबसे पहले हम उपभोक्ताओं का संरक्षण मांगते हैं, यानी कि जो यूज़र है उनकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो लोग यहाँ पर नए आ रहे हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग को हम हमेशा के लिए यहाँ पर रोकने वाले हैं, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि देश का जो फंड है वो गलत हाथों में यहाँ पर जाए। तो इसी तरह यहाँ पर वो काम करने वाले हैं ग्लोबल लेवल पर, यहाँ पर अब क्रिप्टो को रेगुलेशन यहाँ पर मिलने वाली है। और साथ के साथ आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ जी कहते हैं कि क्रिप्टो एसेट्स जो हैं उसके ऊपर हम एक रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं जो कि अगले महीने आपको मिल जाएगा, तो हम पूरा देख रेख से अब इसको लाने वाले हैं ताकि लोग भी इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएं और गलत गतिविधियों से जाने से यहाँ पर बच पाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्रिप्टो में बैन नहीं लगा है। काफ़ी लोगों की मैं वीडियोज़ देख रहा हूँ, आर्टिकल देख रहा हूँ, वहाँ लिखा क्रिप्टो यहाँ पर बैन हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्रिप्टो को बैन करना पॉसिबल ही नहीं है। जो कि यहाँ पर सीतारमण जी ने भी सेम बात बोली थी, मोदी जी ने भी सेम बात बोली थी कि यहाँ पर इसको बैन नहीं किया जा सकता बट इसमें एक कानून लाकर इसका इस्तेमाल अच्छे ढंग से यहाँ पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो कानून है वो ग्लोबल लेवल पर एक बनाया जाएगा जिसका दुरुपयोग ना हो और जनता यहाँ पर सेफ रहे, इनडायरेक्टली यहाँ पर पब्लिक की ही सेफ्टी के बारे में किया जा रहा है। और ये जो सा डिसीजन है वो टोटली पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव कुछ नहीं है और क्रिप्टो को बैन नहीं किया जा रहा है। जो भी ये भ्रम फैला रहे हैं उनको आप यहाँ पर इग्नोर करें। तो
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आपने हमें ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, तो क्योंकि हम यहीं पर ही शेयर करते रहते हैं, जो भी अपडेट्स आते रहते हैं साथ के साथ। जो अपडेट आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और जो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।